स्वच्छ दिल्ली आंदोलन यहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये उनमें से हैं जो ये केले के छिलके फेंकते हैं ना सड़कों पे। दिल्ली टॉप है भाई, एग्जैक्टली पंजाबी भरे भाई है, जाट पहले आए वो सभी खरीदवाएगा, बजट से आउट हो रहे हो भाई। नहीं 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 सॉरी भाई, इंदिरा एकदम धाकड़ गाड़ी, जाट बॉय जाट गाड़ी। डिस्काउंट चाहिए तो करवा देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, जान पहचान बहुत है दिल्ली में, दिल्ली अपना ही है। सो आज हम आए हैं भाई की गाड़ी का रिव्यू करने के लिए, एंड दिस इज द ब्रांड न्यू स्कोडा रैपिड ऑनिक्स ब्लू कलर एडिशन, एंड इसकी डिटेल्स देंगे, इसके स्पेक्स बताएंगे, परफॉर्मेंस बताएंगे, लेट्स गो फॉर इट। So this car has a 1.5 liter TDI engine, and ये similar engine, you know, luxury cars like Audi, उसमें use होता है। VW में भी same engine है, क्योंकि VW and Skoda and Audi are all the same companies owned by Volkswagen Group, which is the biggest car manufacturing group of the world. ये 1.5 liter TDI engine है, which comes with 105 bhp. इस engine का जो combination है, ये Audi में same technology है TDI. और इसका जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो DSG गियर बॉक्स के साथ बनाया गया, विच इज 7-speed DSG गियर बॉक्स, विच इज कॉल्ड द ड्यूअल क्लच सिस्टम। सो दिस कार इज एन ऑटोमेटिक, इट हैज अ DSG टेक्नोलॉजी। DSG टेक्नोलॉजी इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड बिकॉज इट कम्स विद द ड्यूअल क्लच सिस्टम। सो आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट नॉट बी नोइंग अबाउट इट। DSG में ये डिफरेंस आता है, इफ यू गो फॉर होंडाज और टोयोटास दे गिव यू CVT इंजन, एंड इफ यू गो CVT गियर बॉक्स, आई मीन टू आई एम रियली सॉरी, एंड इफ यू गो फॉर द मारुति सो दे आर गिविंग यू AMT। AMT इज बेसिकली आपके जो गेयरबॉक्स ऑटोमेटिक होता है उसके गेयरबॉक्स के अंदर एक सिस्टम चेंज कर उसे ऑटोमेटिक की तरह कन्वर्ट किया जाता है, विच इज ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। बट इफ़ यू गो फॉर CVT दैट इज मच बेटर देन दैट, इट्स स्मूथ। बट अगर आपको एक्चुअल पंच फील करना है, क्योंकि डिफरेंस क्या आता है कि वैन यू गो फॉर अ जापनीज कार विद अ CVT गेयरबॉक्स, आपको हर गियर शिफ्टिंग के ऊपर एक ऑटोमेटिक में RPM की जो नीडल right. होती है वो मूव होती हुई दिखती है। So I feel that. You feel that difference के गियर शिफ्ट हुआ है right. like you do in the manual. Mm-hmm. इसमें क्या आपको गियर शिफ्टिंग में पता ही नहीं चलेगा, अब गियर शिफ्टिंग अलग हो रही है, ड्यूअल क्लच सिस्टम है तो दूसरे क्लच सिस्टम से वो डाउन हो रही है। So basically जो पॉपुलर ऑटोमेटिक मॉडल्स हैं, the AMT is the lowest model I would say. Then comes the CVT and then the best one is DSG. उसका कॉम्बिनेशन में आपको पावर प्लस फ्यूल इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन मिलता है, क्योंकि सेम क्लच सिस्टम उसको अप डाउन नहीं कर रहा, तो अपशिफ्टिंग लोअर शिफ्टिंग अलग चल रही है, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल फील होगी विद द फ्यूल एफिशिएंसी। यू शुड सी द हेडलाइट्स ऑफ द कार आल्सो बिकॉज इट कम्स विद द प्रोजेक्टर, सो दीज आर द HID प्रोजेक्टर्स विच कुड स्लाइटली टेक अ लिटिल टाइम टू गेट लाइटन अप, बट बिकॉज वाइड HIDs हैं तो वाइड HIDs की एक अलग ही लुक आती है। अभी एक जली है इसमें, दोनों है, अगर आप हाई बीम पे करते हो तो चारों HIDs ही हैं इसमें। बूट स्पेस काफी अच्छा है, 460 लीटर का बूट स्पेस है, विच इज क्वाइट गुड इन कंपैरिजन टू एनी अदर कार आई वुड से। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बूट स्पेस इज व्हेन यू लुक एट द कार्स लाइक वर्ना एंड ऑल, द बूट कार्ट इज लाइक दिस, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट अ बिगर बैग, बट इसमें बूट का फेस में यहाँ पे ब्राइट दिया गया सो दैट यू कैन पुट अ बिगर बैग वेरी इजिली। अगर आप ट्रैवल के लिए जा रहे हैं फैमिली के साथ, दो बड़े एक छोटा बैग, तो बहुत ईजिली आ सकता है इसमें। ये बहुत अच्छी बेनिफिशियल चीज दी है, दिस इज लाइक अ बम्पर गार्ड, अगर कार कहीं बैक होते हुए लगती है तो होती है, बम्पर पे कुछ भी नहीं आता, ये कार को सेफ्टी में बचा लेता है। साइड से अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये सी शेप न्यू टेल लाइट्स है, द सी शेप न्यू टेल लाइट्स इज विच दे स्टार्टेड अराउंड 1.5-2 इयर्स बैक, एंड उनकी सारी स्कोडा पूरी सेगमेंट में ऑक्टाविया में भी यही आती है। देयर इज अ ब्लैक स्ट्रिप ऑन द डोर्स आल्सो, क्रोम की थीम कहीं नहीं ली है, सारी ब्लैक थीम पे ही कार चल रही है, सो दैट इट हैज अ स्पोर्टी टच। व्हेन वी गो इनसाइड द कार यू सी द ब्लैक थीम इनसाइड द कार एज वेल। अब हम आ चुके हैं कार की बैक साइड पे, डिजाइन विद द वुडन पाइपिंग परफोरेशंस and these cuts which looks really beautiful, I would say. Armrest dekhiye ab aaram se kitna bada armrest hai, do log aaram se passengers baith sakte hain. Space on the back side is quite good if a passenger like me who is 5'8" sits in the front, but if a passenger like the super biker dad sits, space thoda sa compact hai, I don't think koi bahut comfortably baith payega, thode se knees join honge. Yahan pe jo C pillar ke paas mein chota sa window gap hai uske andar bhi inhone curtain diya hai, company ka khud ka hi curtain hai, to the left part is it comes with the Skoda badging.
एंड एवरीथिंग कम्स विद द स्क्वाटर बैजिंग विच इज देयर इनसाइड द कार. बैक साइड पे पीछे लाइट्स दी गई हैं, ऑब्वियसली द रीडिंग लैम्प्स बैक में है. फ्रंट की लाइट्स बहुत अमेजिंग है. कार का पीछे से व्यू देखे तो आपको ऐसा दिखेगा. फ्लैट स्टीयरिंग अभी भी बहुत क्रेजी लग रहा है भाई. पीछे एसी वेंट भी दिया गया है, यू कैन एडजस्ट इट फॉर द बैक पैसेंजर्स. प्लस यहाँ पर एक कप होल्डर है तो फील कंफर्टेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कॉफ़ी रखनी हो पीछे. आपका ड्राइवर शॉफर ड्रिवन कार हो, यू कैन सिट वेरी इजीली. प्लस ये जो बीच में अब उसे दो कार्स के बीच में डिवाइड किया गया है, ऑब्वियसली दिस हम्प विल क्रिएट अ स्लाइट इशू फॉर द थर्ड पैसेंजर. सो इट्स मोर कम्फर्टेबल फॉर फोर पैसेंजर्स एंड अ किड इन द सेंटर आई गेस. यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी है, फ्रंट में भी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है. अगर आप फ्रंट में जाके देखेंगे तो आपका ये गियर लिवर, ओ माई गॉड, एस का मतलब क्या है? स्पोर्ट्स मोड. क्रेजी. स्पोर्ट्स मोड का मतलब है कि कार स्पोर्ट्स कार की तरह थोड़ा परफॉर्म करना स्टार्ट करेगी, बिकॉज RPMs विल गो ऑन अ वेरी हाई लेवल. एंड प्लस अगर आप गियर को लेफ्ट में मूव करते हैं तो इसके अंदर आपको मैनुअल शिफ्टिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है इसके अंदर. यहाँ पर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी कप होल्डर्स बना सकते हैं. तो आप चलते हैं राइट पे एंड थोड़ा सा ड्राइव का फील लेते हैं गाड़ी का. स्टेयरिंग बहुत डिफरेंट है, नीचे से फ्लैट स्टेयरिंग आता है, सो टू गिव यू द स्पोर्टी फील विद द पियानो फिनिश. सो इट्स लाइक फ्लैट फ्रॉम हेयर, इट गॉट अ पियानो फिनिश एंड द क्रोम बैजिंग ऑफ द स्कॉडा न्यू एम्बलम विच इज रियली ब्यूटिफुल इन कंपेरिजन टू द प्रीवियस वन विच हैड द ग्रीन कलर इन साइड्स. And other than that, the music system that comes in the car is really upgraded, and Skoda has always been the best for in terms of the music system. Another factor that you get is like the screen is bigger now, and it's all like the black finish inside the car. Even the armrest comes in the black color. Also, there's a very cute small dustbin here inside the car, so it's like black in the color. तो स्वच्छ दिल्ली आंदोलन यहीं से स्टार्ट होता है. यहीं से मेरे को लग रहा है मिस्टर मोदी ने कार के लिए कुछ कहा था कि भाई गाड़ी तो ऐसे बनेगी वरना ना जी. क्योंकि ये उनमें से हैं जो ये केले के छिलके फेंकते ना सड़कों पे, ये उनमें से ही थे पहले तक थे ना भैया, हमने ना फेंके. बड़ा भी लाइन पे आ गए. जितना म्यूजिक सिस्टम का साउंड है आपको ये फील होगा, आपको कुछ भी आफ्टर मार्केट लगवाने की जरूरत नहीं है. साउंड क्वालिटी एकदम नंबर वन है, क्योंकि नॉर्मल कार्स इन एशियन कार्स बहुत ही पायनियर वगैरह के होते हैं. ऑब्वियसली ब्रांड्स आर डिसेंट, बट उनकी सबसे लोएस्ट रेंज के लगाए जाते हैं, हार्डली 1200-1500 वाली रेंज के स्पीकर्स. इनके अंदर जो स्पीकर्स है उनकी क्वालिटी मच अबव देन 20,000 स्पीकर है. बात कर रहे थे DSG गियरबॉक्स की. गियरबॉक्स के अंदर आप ये फील करोगे कि अभी हम स्टार्ट करेंगे इसमें, ये ऑब्वियसली दिस इज द पार्किंग एंड द रिवर्स मोड एंड रिवर्स कैमरा है. बहुत ज्यादा क्लैरिटी है यार, बहुत ज्यादा. मैंने रात को यूज किया है, ऐसा लगता है कि पीछे किसी ने भाई 2-3 ट्यूबलाइट जला के मुझे लाइट दे दी. अगला व्लॉग इसी कैमरे से बनेगा. दिस इज ऑब्वियसली न्यूट्रल एंड द ड्राइव मोड एंड the sports mode. You have the option to do the manual also. You can shift it and shift करके ऐसे आप left में अपना manual up down कर सकते हैं. वो मैं आपको एक बार करके बताऊंगा. कार आ चुकी है drive mode में. हम pickup देखते हैं. drive mode पे थोड़ी कम है RPM में, आपको पता लगेगा कि एक बार initial pickup के अंदर एक pressure feel होगा आपको. लेकिन अगर आप पूरा tight करते हो ये pressure के साथ, ये punch आया 2000 RPM के बाद, 2000 RPM के बाद it becomes a rocket. ये speed breaker आ रहा है, आप braking feel करो इसकी. स्मूथली गई, शॉकर्स में आवाज़ नहीं आई. अभी हम ड्राइविंग मोड पे वापस उठ रहे हैं, बट हमें स्पोर्ट्स मोड लगाना पड़ेगा क्योंकि आपको RPM का एक डिफरेंस दिखाना है. दिस इज द ड्राइविंग मोड. अब दिस इज डी मोड. वंस आई पुट द स्पोर्ट्स मोड, कार की साउंड बदल जाएगी, कार भागने लगेगी. ये देखिए स्पीड ब्रेकर पे फिर ब्रेकिंग आ गई है. स्पोर्ट्स मोड वापस, साउंड चेंज हो गई है बिल्कुल. एक बहुत ही स्पोर्टी साउंड है कार के अंदर और कार बहुत ही क्रेजी तरीके से भाग रही है, जिसे रोकना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि As I told you, the braking is good and you अब यू टर्न लो आपको स्टेयरिंग का फर्क पता लगेगा. कार बिल्कुल भी सड़क नहीं छोड़ती, बिल्कुल भी 1-2 इंच इधर उधर का जर्क नहीं देती, 1% भी जर्क नहीं फील हुआ. यू कैन डू द मैनुअल शिफ्ट ऑल्सो. सो डी मोड से आप मैनुअल पर शिफ्ट करके, द स्मूदेस्ट इन द नाइस पार्ट अबाउट इज के आप गेयर बढ़ाना है बस यूँ अप करते रहो. एक वन टच अप है, आराम से बैठो और डाउन करना है वन टच डाउन कर लो. एक स्पोर्टी आवाज आ रही है आपको, मुझे बहुत तेज आ रही है. एक बहुत ही कंसिस्टेंटली चलने वाली कार जिसके अंदर 1-2 इंच का लेफ्ट राइट नहीं होता, जर्क नहीं होता, मतलब आई वोंट से 1% भी जर्क फील नहीं होता, क्योंकि द पिकअप एंड द ब्रेकिंग बोथ आर अमेजिंग. सो 10 ऑन 10 है या क्या है, कितना स्कोर देगा इस गाड़ी को? एनी डे 10 out of 10. तो जैसे अभी हमने कार की फील ली, एकदम से स्पोर्ट्स मोड पे पिकअप ली, एकदम से ब्रेकिंग करी, हमें कार के अंदर ना जर्क फील हुआ ना कोई प्रॉब्लम हुई, और एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल फील हुआ कि कार मेरे हाथ से नहीं निकल जाएगी किसी भी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसिस में.
बिकॉज वो बहुत ज्यादा होते हैं इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में तो नेक्स्ट लेवल, और दिल्ली टॉप है भाई. एग्जैक्टली. पंजाबी भरे भाई है जाट, तो जाट रहे तो भाई रोकनी नहीं गाड़ी, पंजाबी कहेगा अपने बाप से रेस लगाएगा. तो दिल्ली का माहौल पता है हमें, सो सेफ्टी इज ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट. तो ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, everything is done, and a lot of things are done with the software. They check everything. Once you get the car into the service center, they will put the cable and they'll check everything is perfect or not, and if there is any kind of change, they give you the warranty for 6 years, brother. Baki ye jo color aap dekh rahe ho, it's called Lipitz blue. This is the first time in Skoda. Is color ko Audi TT se bahut zyada similar rakha gaya hai. Iska concept hi yahi tha, ise sports car feel deni hai and sporty look deni hai. To ye car agar aapko रैपिड का ऑनेक्स एडिशन लोगे तभी ये कलर मिलेगा, अदरवाइज यू हैव द सिंपल कलर दैट यू सी इन द मार्केट. सो बेसिकली सेक्सी कार, सेक्सी कलर, एंड आपके पास अगर हायाबुसा है ब्लू कलर की तो ये बहुत बढ़िया जाएगी उसके साथ. नहीं यार, वो पहले हायाबुसा भी खरीदवाएगा. बजट से आउट हो रहे हो भाई. नहीं नहीं नहीं, ऑडी मतलब 30-35 लाख में बेसिक मॉडल ऑफ एनी कार इज नॉट गुड. गो फॉर टू थिंग्स, आइदर अ सुपर बाइक अलोंग विद द स्पोर्टी कार. दोनों अलग मजा है. मजा आया रिव्यू करके. एब्सोल्युटली अमेजिंग कार. पीछे वाली कभी मत लेना. सॉरी महेंद्र. वो भैया वो है एकदम धाकड़ गाड़ी, जाट बॉय, जाट गाड़ी. गो ट्राई द कार, गो टेक द टेस्ट राइड, एंड कोई अगर सवाल हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना. एंड हेल्प करूंगा भाई, अपना ही है, हेल्प कर देगा. डिस्काउंट चाहिए तो करवा देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है. जान पहचान बहुत है दिल्ली में, दिल्ली अपना ही है. US पोलो ने स्पॉन्सर नहीं किया है. सी यू गाइस सून. ड्राइव सेफ, राइड सेफ, टेक केयर. बाय बाय बाय.